गाइज मैं यहाँ पे दोपहर में बैगन का फ्राई बना रही हूँ। आज मुझे दाल और बैगन फ्राई और चोखा बनाना है, तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, लहसुन का मिर्च का पेस्ट और जीरा पाउडर, गुलगी पाउडर, ये सब मैंने ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। और हमारे बच्चों लोग को ये ज़्यादा पसंद है, और बंगाली में हम लोग इसको बैगन फ्राई, बैगन भाजा बोलते हैं। तो बस हम लोग इसको अपने भाषा में बैगन भाजा बोलते हैं। तो ये मेरे घर में बन रही है बैगन भाजा। और उसके बाद देखिए ये शाम की क्लिक है। तो बस दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आकृति थोड़ी सी स्कूल से आई थी ना, तो थोड़ी सी काफ़ी कमज़ोर और सर्दी के कारण वो काफ़ी खर्मी हो गई थी। पेट में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द हो रहा था ठंड में के कारण, तो बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। तो ये शाम की क्लिक है, तो बस कपड़ों को मैंने लेके आ गई हूँ और उसको कर रही हूँ फोल्ड। तो बस यहाँ ही पे फोल्ड करती हूँ, नीचे ही रख के, बेड में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड बच्चे लोग काफ़ी गंदे करते हैं ना, इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, उसके शाम को मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। और आज है बृहस्पतिवार, ये ब्लॉग जाएगी शुक्रवार को, तो मैं बृहस्पतिवार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं कि आज बृहस्पतिवार है। और ये इतने दिनों के बाद मैंने लाइफ में कभी नहीं भूला है ये दिन को। और पता नहीं मैं इतनी बिजी हो गई कि आज पता नहीं मैं भूल गई कि आज बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को आज सुबह में मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई, तो उसमें भी प्याज ऐड कर दिया, लहसुन ऐड कर दिया। और मैं बताती हूँ, मंगलवार को तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है बाहर में, लेकिन बृहस्पतिवार को मैंने कभी नहीं खाया है क्योंकि मेरी मम्मी कभी बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन नहीं बनाती थी। वही आदत मेरा हमेशा कुआरे से लेकर अभी तक भी है, तो ना बाहर में खाती हूँ ना घर में। तो पता नहीं आज पहली बार हुआ ऐसा कि मैं आज बृहस्पतिवार को सुबह से प्याज की सब्ज़ी बना दी। सुबह तो प्याज की सब्ज़ी बन गई और सुबह में मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, चने और रोटी तो मैंने खा लिया। उसके बाद भी याद नहीं आई। दोपहर में मैंने बैगन फ्राई किया, उसमें भी मैंने लहसुन ऐड कर दी हूँ, फिर भी याद नहीं आई। और उसके बाद मैं आज मतलब मूड पता नहीं, आज सब चीज़ भूलती जा रही हूँ, पता नहीं मेरा यादाश्त कमज़ोर हो रहा है और पता नहीं लोड की वजह से या किसी की वजह से, मैं मालूम नहीं है। सुबह से मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मूड भी नहीं कर रहा था और बच्चे लोग थोड़े बीमार भी हैं। आकृति बीमार है ज़्यादा, अंकित तो ऐसे ठीक है, आकृति के थोड़ी सर्दी वर्दी है तो अब आज ठीक है। और मैं घरेलू नुस्खे से ही उन लोग को थोड़ा बहुत अभी करती हूँ। और फिर भी इनके पापा मेडिसिन ला ही दिए हैं, कभी रखना पड़ता है, तो बस यही चल रहा था। और मैंने आज सुबह में चाय भी चढ़ाई, तो चाय भी भूल गई कि, और चाय वो गैस में ही पूरा एकदम फिनिश हो गई थी, जल भी गई थी। तो पता नहीं आज मेरा मूड भी नहीं हो रहा था कोई चीज़ में। और मैंने इनके पापा आए थे 1:30 बजे, सब बता रहे हैं। मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, तो बातों नहीं बोला, आज बृहस्पतिवार है। बोले कि इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि प्याज लहसुन मैं आज बना दी हूँ, तो बस ये गलती में माफ़ी हो जाती है, मैंने अनजाने में गलती की हूँ। लेकिन कभी नहीं, आज तक कभी लाइफ में मैंने ऐसा गलती नहीं की है, लेकिन कर दी हूँ। तो बस अभी रात में मैं भुजिया बना रही हूँ, तो उसमें मैं प्याज नहीं डालूँगी, और क्योंकि जान मुझ के तो नहीं डालूंगी, वैसे तो अनजान में हो चुका है। और सुबह में तो और चोखा भी बनाई थी, उसमें भी प्याज ऐड कर दी हूँ। तो बस ये लाइन की पहली गलती है जो मैं दिन भूल गई हूँ कि आज कौन सा दिन है। इतनी बिजी शेड्यूल हो गई है तो समझ सकते हो। और बस ये मैंने आज सोचा कि छोटा मोटा एक ब्लॉग डाल देती हूँ, कोई ऐसी नई रेसिपी कोई कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग से बातें हो गई हैं, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू भुंजिया, और मैं यहाँ पे सरसों ऑयल, पचफोड़न और 2 सूखी मिर्च ऐड करूँगी। तो बस मेरी आज यही डिनर में बनेगी, तो मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से भुंजिया बना रही हूँ। और मेरे घर में ये काफ़ी कम बनती क्योंकि किसी को ये ज़्यादा पसंद नहीं आती है, गर्मा गर्म मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। आकृति को एकदम ही पसंद नहीं है, तो वो बोली मम्मी मैं नहीं कुछ खाऊँगी, तो सर्दी में थोड़े से मुँह के स्वाद भी ख़राब हो जाते हैं, और एक दिन तो काफ़ी ख़राब लगता है जिस दिन फर्स्ट दिन सर्दी होती है। तो बस वो समोसे खाई थी और बोली मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, तो चोकोस वोकोस खाई थी इसलिए वो बोली नहीं खाएगी। और बस हम लोग ही तीनों हैं, तो बस यहाँ पे मैंने
नमक हल्दी ऐड करूँगी और ढक के पकाऊँगी, कुछ नहीं ऐड करूँगी। और मैं भुजिया हमेशा सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और मैं लोहे की कढ़ाई में भराई करती हूँ ताकि अच्छी लगती है और धीरे धीरे पकती है, तो मैं इसको ढक दूँगी नमक डाल के। और गाइज मेरी ये छोटी सी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती है तो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, नए आ रहे हो तो शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी को। और बस यही आज प्याज की इशू काफ़ी चली दोस्तों, जो मैंने कभी घर में मैंने बृहस्पतिवार को नहीं बनाया, तो बस यही जो आज मेरा मूड ऑफ था तो बस यहाँ पे मैं ढक दी थी। और उसके बाद मैंने हल्दी मसाला और मैंने मिर्च पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, बस मेरी फ्राई हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिनर विनर हो गए थे, बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया था और मैं करूँगी आकृति की थोड़ी मालिश। और यहाँ पे मैंने थोड़ी आलू को भी धो के रख दिया था ताकि ये रात भर सूख जाए। और मैंने यहाँ पे लहसुन अजवाइन और सरसों ऑयल को काफ़ी देर तक खोलाया ताकि तेल में वो अच्छे से मिक्स हो जाए लहसुन की गर्मी। तो बस यहाँ पे मेरी गर्म हो गई थी तो मैं इसको ठंडा कर रही थी ताकि मैं इसको बच्चों लोग को दोपहर में थोड़ी सी मालिश करूँगी और ये काफ़ी रिलीफ मिलती है। मैं हमेशा बच्चों लोग को सर्दी जुकाम जब भी होते हैं ना तो मैं ये दोनों बच्चों को इसी से मालिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अंदर के पैरों में तलवे में आकृति को थोड़ी सी मालिश करूँगी, हल्की सी ये सुसुम गरम टाइप की है तो बस इसको मैं थोड़ी देर से रगड़ूँगी, हाथ में भी दूँगी और नाभि में होता है उसमें भी दूँगी। तो बस यही मेरी वीडियो थी दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।